सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ल्स बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट्स है, परिवार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षा महानिदेशक महोदय ने क्या कहा, हाउस होल्ड सर्वे शिक्षकों को कब तक पूरा करना है, हाउस होल्ड सर्वे से क्या मिलेगा परिवार के सदस्यों को लाभ, जानिए हाउस होल्ड स्पेशल अपडेट्स। नामांकन अभियान में परिवार सर्वेक्षण से घर घर डाटा जुटा रही सरकार, दिया जाएगा आधा दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की पहली बड़ी पहल, लखनऊ समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। देश में 2021 की जनगणना भले ही शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों से कराई जा रहे परिवार सर्वेक्षण के जरिए प्रत्येक परिवार का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। सर्वे के जरिए प्रदेश के सामान्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी के साथ आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का आकलन भी होगा। सर्वे के बाद अब तक विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उनका लाभ दिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों से इन दिनों स्कूलों में नामांकन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के लिए परिवार सर्वेक्षण का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें परिवार के मुखिया की जानकारी के तहत मुखिया का नाम, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, वर्ग, शिक्षा व्यवस्था, आय, मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व, पता आदि संकलित किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति का लगेगा पता, व्यवसाय में छात्र, स्वरोजगार, गृहिणी, बेरोजगार, मजदूर, किसान, सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी को अलग अलग डाटा जुटाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के लोगों को प्रत्येक परिवार की औसत आय, आवास की स्थिति का भी आकलन होगा। उधर जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के पास प्रत्येक घर का डाटा होगा। सरकार चुनाव से पहले उसके अनुसार लोगों को राहत देने के साथ चुनावी रोड मैप भी तैयार कर सकेगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों की स्थिति का आकलन करने के लिए शिक्षकों से परिवार सर्वे कराया जा रहा है। इससे प्रत्येक गांव और शहरी इलाकों की मैपिंग होगी। श्री विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित होंगे परिवार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उद्देश्य, एकल माँ की ओर से पालन किए जा रहे बच्चे के पालन के लिए 500 रुपये महीने, विधवा पेंशन और खाद्य सुरक्षा के लिए पीडीएस के जरिए राशन मिलेगा। माता या पिता अथवा दोनों विकलांग होने पर 500 रुपये विकलांग पेंशन और खाद्य सुरक्षा के तहत राशन। विकलांग बच्चों को 500 रुपये महीने पेंशन दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र में काम करने वाले बच्चों, परिवारों को सहयोग के लिए बच्चों की ओर से बाल मजदूरी करने पर बाल श्रमिक योजना के तहत बेटियों को 1200 रुपये और बेटों को 1000 रुपये महीने सहायता दी जाएगी। मौसमी परिस्थितियों में पलायन करने पर माता पिता को मनरेगा में जॉब कार्ड मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक ऋण, कक्षा 5 से 7 में पढ़ने वाले बेटों के लिए 4,000, लड़की के लिए 5,000, कक्षा 8 में पढ़ने वाले बेटों के लिए 5,000 और बेटी के लिए 6,000 रुपए छात्रवृत्ति की दी जाएगी, लेकिन उन्हें न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने होंगे। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी की ओर से देखभाल करने पर वृद्धावस्था पेंशन के तहत 500 रुपये महीने दिए जाएंगे। जिन लड़कियों के माता पिता कामकाजी हैं, उन्हें कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये साथियों, नामांकन अभियान में परिवार सर्वेक्षण से घर घर डाटा जुटाने का यह सरकार का एक उद्देश्य है। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।